हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने टॉपिक लिया हुआ है हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास में हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे प्राचीन काल में फारसी एवं यूनानी आक्रमणों के बारे में। अब इसमें बात करेंगे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। तो इसका एक संरचना देख लेते हैं हम लोग। मौर्य वंश, इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया आपका 322 से 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा है। फिर आया इसका बेटा बिंदुसार अमित्यघात, ये रहा है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। फिर आया इसके तीन बेटे, तीन उत्तराधिकारी हुए। तो पहला था सुसीम सुमन, फिर है अशोक वर्धन, प्रिय दर्शन इसका नाम है दूसरा, और बिगत सो। फिर सुसीम सुमन था इसका निग्रोथ था एक इसका शासक। ठीक, सुसीम का अशोक मैन है, अशोक अशोक वर्धन। ठीक है, तो अशोक जो आपका रहा, अशोक वर्धन, ये रहा है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। फिर इसके नीचे और आए महेंद्र, संगमिता, चारुमति, कुणाल, धर्म विवर्धन, सुएसस, जालौक, कश्मीर, तीवर। फिर कुणाल के नीचे बंधपालित, दशरथ, विगत्सो किसे बोला जाता है, संप्रीति। फिर संप्रीति के नीचे आए शालीसुक, फिर देव धर्म वर्मन, फिर आए आपका शतधनुष। शतधनुष के बाद आया वेदत्त। आपको याद रखना है अशोक को, रखना है याद पहले, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखिए, फिर बिंदुसार, फिर रखिए अशोक को, फिर रखना है आपको अंतिम को वेदत्त को। ठीक है, अगर कोई भी याद नहीं हो रहा है तो इन चार मैन को याद रखिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। ये रहा है आपको पता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की। सिकंदर के लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु के कारण पंजाब में फैली अराजकता का चंद्रगुप्त ने लाभ उठाया और अपने सुयोग्य परामर्शदाता मंत्री चाणक्य की मदद से वह पंजाब का सम्राट बन गया। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वेदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की। कौशल के राजा प्रसेनजीत मगध का राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिक चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, तक्षशिला में। यही बात कर लेते हैं मौर्य प्रशासन केंद्रीय अधिकारी तंत्र के बारे में। सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। 18 तीर्थ थे जो निम्नलिखित हैं, अमात प्रधानमंत्री, पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी, फिर समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सन्नदाता कोषाध्यक्ष, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक सेना का संचालक, फिर आपका कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, दंडपाल सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। ठीक, उसके बाद है आपका आठविक वन विभाग का प्रधान था ये, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, द्वारिक राजमहल की देखभाल करने वाला प्रधान, आंतरवसिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल, दुर्गपाल राजकीय दुर्गों दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, सेनापति योद्ध विभाग का मंत्री, मंत्री परिषद अध्यक्ष,
परिषद का अध्यक्ष था ये। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। चाणक्य ने, जो इनका गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का और जैन एवं बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय कुल का मानते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है अर्थशास्त्र के बारे में, ये किन से संबंधित है, तो याद रखना है मौर्य काल के इतिहास से संबंधित है। और किसने लिखी थी इसकी रचना, किसने की, तो याद रखना चाणक्य ने। ठीक है, और ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं ये चंद्रगुप्त को क्या मानते हैं, शूद्र, और जैन और बौद्ध साहित्य हैं ये मानते हैं क्षत्रिय, कि क्षत्रिय जाति का था। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नामों की बात करें तो सेंडोकोटस स्टेपो इरियन जस्टिन ने इसे बताया, एंडोकोटस प्लूटार्क, चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में मिला है इसका नाम। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के बीच 305 ईस्वी में हुआ युद्ध जिसमें सेलुकस पराजित हुआ, इस युद्ध को भी याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के बीच कब युद्ध हुआ, 305 ईसा में। ठीक, फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेलुकस के बीच संधि हुई तथा सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया। सेलुकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, तो आपको याद रखना है इंडिका नामक किताब की रचना किसने की, मेगस्थनीज ने। ठीक, आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 5000 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क ने बताया कि चंद्रगुप्त ने 5000 हाथी उपहार में सेलुकस को दिए थे। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सेंडोकोटस कहा। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया। सेलुकस ने चंद्रगुप्त को एरिया काबुल, अराकोसिया कंधार, ग्रेडेशिया तरान प्रांत दिए थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना कार्नेलिया सेलुकस की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं पूर्णानूर से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के 6 अंगों थे, अश्वसेना, हस्तसेना, पैदल, नौसेना, रथ सेना और सैन्य सहायता। विभागों के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त का जैन गुरु भद्दबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के सेवड़ बेलगोगला में स्थित चंदागिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से शरीर का त्याग किया था, भूखे प्यास रहेगा। विलियम जॉन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से की है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 600,000 सेना लेकर समूचे भारत पर आधिपत्य स्थापित किया। अधिपत्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यभूत गुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है सुदर्शन नामक झील का निर्माण किसने करवाया था, ये था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यभूत वैश्य ने। ठीक है, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगस्थनीज भारत को 7 जातियों में विभक्त किया है इसने। 7 जातियां था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर,
यह शिल्पी सैनिक निरीक्षक सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली व्रोथा नाम दिया था। ठीक है, फिर है आपका बिंदुसार। तो बिंदुसार रहा है आपका 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा है। यूनानी लेखक बिंदुसार को आमित्तोकेटस या अमितघात के नाम से जानते थे। बिंदुसार के समय तक्षला में विद्रोह हुआ। तक्षला विद्रोह दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। बिंदुसार के अन्य नाम थे जो इस प्रकार हैं, भद्दसार वायुपुराण के अनुसार, अमितोकेटस या अमितघात यूनानी लेखक, सिंगसेन जैन ग्रंथ, अलिडोकेटस स्टेबो के अनुसार, बिंदुपाल चीनी विवरण में क्या दिया गया, बिंदुपाल। आगे बात करते हैं, बिंदु ने सीरिया के राजा एंटीयोकस से मदिरा सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था। एंटीयोकस ने दार्शनिक यूनानी कानूनों में इसकी अनुमति नहीं थी भेजने से मना कर दिया था। ठीक है, बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। फिंगल वत्स नामक अजीवक विद्वान बिंदुसार के दरबार में रहता था। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी फिंगल वत्स ने की थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। बिंदुसार ने दो समुद्रों के बीच की भूमि समेत 16 राज्यों को जीता था। अजीवक बनने से पूर्व बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था। चाणक ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया। तक्षला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। चाणक या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, वशमन का नाम इसका विष्णुगुप्त था चाणक का। चाणक ने अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान की रचना की। चाणक को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक के पिता का नाम था चाणक। ठीक है, फिर आता है आपका अशोक। तो अशोक की बात करें तो ये 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा राजा। ठीक, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक था। सिंगली अनुसरित श्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से जाना जाता था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। ठीक है, अशोक के अन्य नामों की बात करें तो अशोक को अन्य नाम है अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में दिया गया। अशोकवर्धन पुराण में, प्रियदर्शी भाबुल शिलालेख से, अशोक मास्की गुर्जरा नेतूर उदगोलम अभिलेख से मिलता है अशोक। ठीक है, कलिंग 261 ईसा पूर्व में नंदराज शासक था यहाँ का। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की थी। याद रखना है आपको, कलिंग विजय कब की अशोक ने, 261 ईसा पूर्व में। और याद रखना 13वें शिलालेख में ये ज्ञात होता है कलिंग का वर्णन। ठीक, कलिंग की राजधानी थी तोसली। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसे अशोक चक्र इसलिए कहते थे इसे क्योंकि लॉयन कैपिटल सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी अशोक के फरमानों पर चक्र उत्कीर्ण किए गए। कलिंग युद्ध के बारे में अशोक ने भैरी घोष त्याग कर धम्म घोष अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। ठीक,
आगे बात करते हैं, अशोक की कर नीति की जानकारी रोमन देई अभिलेख से मिलती है। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वह भगवान की पूजा करता था अशोक। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो उत्तराखंड, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणाफर्त स्वर्णगिरि, प्राची पाटलिपुत्र। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बराबर पहाड़ी पर अजीबकों के लिए अशोक ने कर्ण चौपाल, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया। अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। शुभदांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधिमिता एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। कारुवाकी के पुत्र का नाम तीवर था। अशोक की एक अन्य पत्नी नागदेवी से उत्पन्न पुत्र पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा थे। जो विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी नागदेवी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मौर्यकालीन साम्राज्य चार प्रांतों में बटा था, प्रादेशिक, राज्योक्त और युक्तक। ये सभी अधिकारी 5वें वर्ष राजनीरी छाटन निरीक्षाटन के लिए जाते थे। अब बात करें अशोक के मुख्य सिद्धांत की। अशोक धर्म के मुख्य सिद्धांत। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय कांप उठा। उसने भविष्य में अहिंसा की नीति अपनाने की ठानी। उसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली और एक नए मत का संस्थापक बन गया जो अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार, सत्य भाषण, अहिंसा, दान, पवित्र जीवन, सत्य शुभ कर्म, धार्मिक सहनशीलता आदि। ठीक है, आगे बात करें अशोक के राज्यादेश की। अशोक के राज्यादेश। अशोक ने अपनी प्रजा के साथ पथ प्रदर्शन एवं उन्हें धार्मिक सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए चट्टानों, स्तंभों तथा गुफाओं पर राज्यादेश खुदवाए। ये आदेश अशोक के साम्राज्य के 30 भिन्न भिन्न स्थानों पर मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख के बारे में। किसके शिलालेख के बारे में? इनमें अशोक की धार्मिक यात्राओं, धर्म के नियमों, अहिंसा की नीति के विषय में लिखा है। 14 शिलालेख हैं। दो लघु शिलाओं वाले राज्यादेश, दो कलिंग राज्यादेश, भावरूप राज्यादेश। फिर स्तंभ लेखों की बात करें तो 3 प्रकार के, सात स्तंभ राज्यादेश, लघु स्तंभ राज्यादेश, उत्तराई के स्तंभ लेख। फिर बात करते हैं गुफा, जो गया के पास बराबर की पहाड़ियों की 3 गुफाओं के दरवाजे पर मिले हैं। बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। ये प्रचारक हैं और ये स्थान जहाँ भेजे गए, महेंद्र एवं संघमित्रा, ये लंका श्रीलंका, रक्षित ये उत्तरी कनारा, महादेव मैसूर, मध्यांतिक ये कश्मीर कंधार, धर्म रक्षित ये पश्चिमी भारत, मज्झिम ये हिमालय, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र और महारक्षित यमन राज्य में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट प्रमुख अध्यक्षों के बारे में। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था ये, आकराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष, वेश्याओं का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष, पतनाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष, देवाध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष था। ठीक है, आगे बात करते हैं मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, सुवर्ण अध्यक्ष, पशु विभाग, पशुधन विभाग का अध्यक्ष,
शुल्काध्यक्ष, राजकीय धन जुर्माना आदि कार्यों का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, बूचड़खानों का अध्यक्ष, फंडाध्यक्ष, वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष, सूताध्यक्ष, रुई कातने कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करने वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं मौर्यकालीन शिलालेखों के बारे में। ये शिलालेखें खोज वर्ष है और लिपि। तो सबसे पहले बात करते हैं साहेबाजगढ़ी, इसकी खोज हुई 1836 में, खरोष्टी लिपि है इसकी। मानसेहरा 1889 में, खरोष्टी लिपि है। गिरनार 1822, ब्रह्मी लिपि है। धौली 1837, ब्रह्मी लिपि है। कालसी 1837, ब्रह्मी लिपि है। जौगढ़ 1850 में, ब्रह्मी लिपि है इसकी। सुपारा 1882, ब्रह्मी लिपि है। एरागुड़ी 1916, ब्रह्मी लिपि है इसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की। बात करें अशोक के स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख हैं और स्थान, प्रयाग स्तंभ लेख ये इलाहाबाद में है आपका, दिल्ली टोपरा ये दिल्ली में है, दिल्ली मेरठ ये भी दिल्ली में है अभी, रामपुरवा चंपारण बिहार में है, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में भी है, लोरिया अरेराज ये भी चंपारण बिहार में है आपका। अशोक के लेखों से संबंधित तथ्य हैं। अशोक का उल्लेख मास्की नेतूर गुजरा उदयगोलन अभिलेख में मिलता है। अशोक के अभिलेखों को 1837 में ईस्वी में जेम्स फ्रेंसेब ने सर्वप्रथम पढ़ा था, कितने में, 1837 में। टोपरा और मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। कौसाम्बी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया, जिसे अशोक ने स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए। विराट का अभिलेख कनिंघम कलकत्ता लाया गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अशोक के शिलालेख और उनके विषय में जानकारी। पहला शिलालेख, इसमें दिया गया है पशुपति निषेध किया गया है, ये संबंधित है, पशुपति निषेध किया गया है इसमें। दूसरा शिलालेख में दिया गया है मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था तथा विदेशों के धर्म प्रचार का उल्लेख है दूसरे में। फिर है तीसरा आपका शिलालेख, तो इसमें राजयुक्त एवं युक्ति की नियुक्ति तथा राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज भ्रमण करने का आग्रह है। चौथा शिलालेख है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। पांचवा शिलालेख है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख है प्रशासनिक सुधारों एवं आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख। फिर सातवां शिलालेख अशोक की सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्ष था। फिर आपका आठवां शिलालेख बोधगया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। नवा शिलालेख सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। दसवां शिलालेख राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ग्यारहवां शिलालेख है आपका धम्म की व्याख्या। बारहवां शिलालेख है आपका धार्मिक सहिष्णुता पर जोर एवं स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। तेरहवां शिलालेख है कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई इसमें। धम्म में जय की घोषणा विदेशों में धम्म प्रचार का उल्लेख किया गया है इसमें। फिर है आपका 14वां शिलालेख पहले 13 शिलालेखों का पुनर्वलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है इसमें। आगे बात करते हैं अशोक के शिलालेख अशोक के शिलालेख, तो 14 वृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं जो ये ब्रह्मी लिपि में हैं। दो बेहद शिलालेख मानसेहरा और साहेबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, कौन कौन से, मानसेहरा और साहेबाजगढ़ी, ये हैं खरोष्टी लिपि में।
कंधार अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में कंधार को छोड़कर शेष सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लेम्पाक में खंडित अवस्था में एक अभिलेख पाया गया जो आर्मेनिक भाषा में है। इलाहाबाद स्तंभ को कौशाम्बी से लिया गया है। इस पर चंद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख हैं। विहद शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ लेखों में कुल संख्या है 13 जो 10 स्तंभों पर अंकित हैं। चार लघु स्तंभ लेखों में से एक को रानी का लेख कहा जाता है जो इलाहाबाद में है। विभाजित लेख इलाहाबाद सांची और सारनाथ स्तंभों पर पाए गए। बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण पशुओं के बारे में। ये अभिलेख हैं, ये पशु हैं। लोरिया नंदनगढ़, इस पर एक सिंह है। रामपुरवा, एक सिंह इस पर। सारनाथ, चार सिंह हैं इस पर। सांची, चार सिंह। अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर पर से तराश कर बनाए गए। इसके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में है। भरूप का स्तंभ ये सतना मध्य प्रदेश में। सारनाथ स्तंभ धर्मराजी का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था मयूर, मोर, ठीक है। रुम्मन देई, निगाली सागर दोनों नेपाल में स्मारक स्तंभ लेख हैं। दोनों विधान शिलालेखों में सबसे बड़ा है 13वां शिलालेख। सातवां स्तंभ लेख सभी लेखों में सबसे बड़ा है। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पाद्रेटी फेंथेलन ने की थी। राज्यभिषेक से संबंधित मास्की की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा। सोह गोरा तथा महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज द्वारा कोष्टागार से अनाज वितरण का विवरण मिलता है। भाबरु अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूप के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। अशोक का प्रधानमंत्री था राधा गुप्त। फ्लेट अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं। रोमिला थापर के अनुसार धम्म अशोक का अपना आविष्कार था। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। सत्ता का विकेंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति उसके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद की जाती थी। इस प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग आगे अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिसे तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात कहा गया है। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता है। विषय जिला विषयपति के अधीन होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गोप जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदिष्ठी नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप एवं ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। मेगस्थिनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये आपकी 6 समिति दी गई हैं। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति थी विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति थी जो जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति थी जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी समिति थी विक्रय मूल्यों का 10वां भाग विक्रय कर के रूप में वसूलना इसका कार्य था। आगे बात करते हैं हम लोग सह
सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला तथा सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक अंतपाल होता था। मौर्य काल में दो प्रकार की न्यायालय थी, कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय था, धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय था। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राज्योग कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के चार मुख्य अंग थे, कौन कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। मौर्य काल में दो प्रकार के गुप्तचर थे, संस्था एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करते थे, संचार घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। स्त्री गुप्तचर भी थी जिन्हें वैसली, भिक्षुकी, परिव्राजक कहा जाता था। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जा गया है। आदेव मात्रक मुख्य कृषि भूमि, ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके। मौर्य काल में चांदी की अहट मुद्राएं चलती थीं, जिन पर मयूर पर्वत और अर्धचंद की मुहर अंकित होती थी। निजी खेती करने पर राजा को उपज का 1/6 भाग में दिया जाता था। बलि एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण्य कर अनाज के रूप में ना होकर नगद लिया जाता था। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कही जाती थी। एग्रोनोमी मार्ग निर्माण के विशेष अधिकारी कहा जाता था। दूरी मापने की इकाई को 10 स्टेडिया कहा जाता था। कौटिल के अनुसार दक्षिण से बहुमूल्य वस्तुएं, मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख इत्यादि आने के कारण दक्षिण से व्यापार अधिक लाभदायक था। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। ठीक, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भड़ोच प्रमुख बंदरगाह थे। ब्याज को रुपिका एवं परीक्षण कहा जाता था। व्यापारियों की श्रेणी के प्रधान को सार्थवाय कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बात करते हैं तो अशोक के दुर्बल अधिकारी थे। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव, ब्राह्मणों द्वारा विद्रोह, राज्यपालों के अत्याचार, आंतरिक विद्रोह, विदेशी आक्रमण, विशाल साम्राज्य, धन का अभाव, गुप्तचर विभाग का अभाव, सैनिक शक्ति का क्षीण होना, ये सभी थे। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग सुंग, कन्न एवं सातवाहन राजवंश के बारे में। मौर्य वंश के बाद सुंग वंश ने राज्य स्थापित किया। पुष्यमित्र सुंग मौर्यों का सेनापति था। मौर्य वंश के अंतिम शासक विहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग राजा बना। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। 184 ईसा पूर्व में ये राजा बना। पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। पुष्यमित्र सुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। सुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा हुआ वसुमित्र, यवनों को हराया था इसने। सुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। ठीक है, सुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुद्धान हुआ। इसी काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। पुष्पमित्र सुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। पढ़नी की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। भरहूत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण सुंग काल में हुआ। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को उसके अमात वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में हत्या करके कन्न वंश की स्थापना की। सुशर्मा कन्न वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने की कर दी। सातवाहन शासक की स्थापना सिमुक ने कब की? 30 ईसा पूर्व में। ठीक,
ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। सातकर्णी पीथम के बारे में नाग निका के नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। सातकर्णी पीथम ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। गाथा सप्त सती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने की। हाल कवि एवं साहित्यकार भी था। यह प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र ने वेड कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। शून्यवाद के संस्थापक थे नागार्जुन। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। ठीक है, सक महाक्षत्रव रुद्रदामन की पुत्री का विवाह वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से हुआ था। पुलुमावी ने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। सातवाहनों ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे करसापड़ कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत, जो ब्राह्मी लिपि में थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण अमरावती एवं नागार्जुन कुंडा के स्तूपों का निर्माण तथा काले के चैत्यों का निर्माण सातवाहनों ने कराया था। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत चिन्ह मिलते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेड कटक नामक नगर की स्थापना की। सातकर्णी पीथम को पुराण में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। ठीक, सर्वमान्य तौर पर सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को माना जाता है। सात वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति एवं इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापद कहा जाता है। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे नासिक, आबीर, वरार, वकाटक, उत्तरी कनारा, कुंतल, दक्षिणी पूर्व मल्लव। ठीक है, पल्लव, सॉरी। फिर बात कर लेते हैं हम लोग कुछ विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। विक्टोरियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। विक्टोरियाई या यूनानी वंश की दो शाखाएं, प्रथम थी यूथेडेमस वंश, दूसरी थी यूकेटाइडस वंश। यूथेडेमस वंश की राजधानी सियालकोट या साकल थी। यूकेटाइडस वंश की राजधानी तक्षला थी। भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक था डेमेटियस। डेमेटियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथी डेमिया नामक नगर बसाया था। मिलिंद अथवा मिनांडर की बौद्ध मत की प्रीति बहुत सिद्ध थी। मिलिंद पन्यो नामक ग्रंथ में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद संकलन है। इसमें यूके टाइडिस को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षक कहा गया है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने जारी किए। सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी यूनानियों ने ही शुरू की। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसने बाद में गंधार शैली का रूप लिया। भारत में पहला पार्थियन या पल्लव शासक माउस 90 से ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक था। पल्लवों का मूल स्थान ईरान था। गोंडोफर्निस पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते वही पेशावर से प्राप्त हुआ है। गोंडोफर्निस के समय ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। पहलवों के सिक्कों का भंडारण तक्षला में सिरकप के पास खुदाई में मिला है। कुषाणों ने पहलवों का साम्राज्य विजित कर लिया है। भारत में सिक्कों की दो शाखाएं थीं, पश्चिमी भारत में केंद्रित थीं छैरात और कार्दमक। ठीक, जो छैरात सक महाराष्ट्र के नासिक में केंद्रित थे, कार्दमक सौराष्ट्र क्षेत्र के उज्जैन में केंद्रित थे।
क्षयराज वंश का पहला शासक माउस या मोक था। नहपान ने क्षत्रप और महाक्षत्रप दोनों ही उपाधियां धारण की थी। नहपान ने महाराष्ट्र का एक बड़ा भाग सातवाहनों से छीना था। प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भड़ोच पर 6 रातों का कब्जा था। कार्दमक शाखा का संस्थापक यशोमित्तिक था। कार्दमक शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन के संबंध में जानकारी उसके गिरनार जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा पहला बड़ा शिलालेख है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया था। कार्दमक वंश का अंतिम शासक हुआ रुद्र सिंह द्वितीय। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा मौर्य शासन, उससे संबंधित आपके सुंग, कर्ण एवं सातवाहन राजवंश। फिर हमने देखा इसी में विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में आगमन। अब आगे बात करेंगे हम लोग कुषाण वंश के बारे में। किसके? कुषाण वंश के बारे में। ठीक है।